सब एस आर के लवर्स जो डी डी एल जे लवर्स को बताना चाहूँगा, यही वो स्टेशन है। ये कुछ बेड ऐसा हो गया, और जो सबसे अच्छी बात इस रूम की है, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का नेक्स्ट व्लॉग में हमारी यूरोप ट्रिप के। और हम आ चुके हैं जिनीवा एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशन पे, और आज हम जाएंगे इंटरलाकन, जो कि यश चोपड़ा की वजह से बहुत फेमस हुआ। उनका इनफैक्ट वहाँ पे एक स्टैचू भी है, उन्हें एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकन बोला जाता है। तो मॉन्ट्रियल से जो सीनिक ट्रेन है उसको बोलते हैं गोल्डन पास एक्सप्रेस। तो जो रूट फॉलो करती है वो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट प्रीटीएस्ट रूट ऑफ स्विट्ज़रलैंड है। अब थोड़ा सा बॉलीवुड वाली उसमें फील में आएंगे, बिकॉज एक्चुअल स्विट्ज़रलैंड अब स्टार्ट होगा। जिनीवा तो मतलब स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा फ्रेंच फील कर रहा था थोड़ा सा, राइट, बिकॉज वो एकदम ही फ्रांस के बॉर्डर पे है। इस एयर जिस अभी हम ट्रेन स्टेशन में बैठे हैं उसके बगल में जो माउंटेन्स है वो सारे फ्रांस के हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में इटली बोल दिया, थोड़ा इटली नहीं है, सब फ्रांस के हैं। और कभी भी आओ तो सबसे पहले आपको यही, आपको इतने बड़े बड़े बोर्ड्स मिलेंगे हर जगह जिसमें कि सारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन होगी। यार इतना वियर्ड लग रहा है यहाँ पे, इतने खाली इनके ये ट्रेन स्टेशन है, कोई भी यहाँ पे दिख नहीं रहा। कुछ और लोग आए हैं बस, अदरवाइज़ एकदम एम्प्टी ट्रेन है। यहाँ पे इशू क्या है ना, इंडियन रेस्टोरेंट को अगर आप ढूंढने जाओगे सिटी सेंटर्स में तो नॉर्मली होते हैं, बट जहाँ पे हम एयरपोर्ट के पास होते थे यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, या है ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, सर्च भी किया तो। और उसमें यहाँ का इनका वेज खाओ तो मुझे कोई पसंद भी नहीं आता, और नॉन वेज मोस्टली ज़्यादा होता है। तो थैंक्स टू रेडी टू ईट जो हम कैरी कर रहे हैं सफिशेंट। तो यार आप ये देखो, यहाँ पे जो ये सामने है ये माउंटेंस दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड के नहीं है, ये फ्रांस के हैं। तो ये जो लेक है ये डिवाइडेड है, मतलब यही बॉर्डर है। तो हाफ ऑफ द लेक इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, हाफ ऑफ द लेक इज़ इन फ्रांस। तो अगर तैर के पार कर जाओ तो फ्रांस में पहुँच जाओगे। तो इस टाइम स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस दोनों ही एक साथ आपको दिख रहा है, ये घर, ये रोड, ये ट्रेन स्विट्ज़रलैंड की, बाकी सामने सब कुछ फ्रांस का। और बिना टिकट के ट्रैवल मत करना, टिकट चेकिंग होती है, काफ़ी अच्छे से नाइसली डील करते हैं। फाइनली यार बोर्ड कर लिया है गोल्डन पास एक्सप्रेस का, बट एक चीज़ का खास ध्यान रखो, समर्स में जितनी भी ये सीनिक पैनोरमिक ट्रेन्स हैं प्लीज़ मेक श्योर टू गेट योर रिजर्वेशन, बिकॉज सीट नहीं मिलती। मतलब समर में इतनी जैम पैक्ड है कि हमें भी साथ में सीट नहीं मिली। मैं यहाँ बैठा हूँ, पापा वहाँ बैठे हुए हैं दूसरी जगह पे, जैसे तैसे वो तो सीट अरेंज की है। एंड यू कैन सी द इंटायर ट्रेन इज़ क्राउडेड, तो बहुत सारे लोग तो वापस गए। इनफैक्ट कल हमें बेलई कॉप से वापस जाना पड़ा, बट आज तो हमने कहा जैसे तैसे सीट कैसे ना कैसे अरेंज कर रखी है, बिकॉज इंटरलाकन तो पहुँचना ही है। बट यार एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रेन तो प्रीमियम बनाई है, और ये ऊपर विंडोज़ होती हैं जिससे कि आपका जो ऊपर पैनारोमिक व्यू है वो कम्प्लीटली आपको आए। और बहुत 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 शोर कर रहे हैं सब लोग, ग्रुप का एक टूर है। ठीक है यार, डिसेंट साइज्ड हैं, ये रुकी हुई है किसी छोटे स्टेशन पे, या आप रेलवे ट्रैक्स देखो, एकदम नैरो गेज रेलवे ट्रैक्स है। तो यार हम पहुंच गए हैं ज़ाइज़मन रेलवे स्टेशन पे, और सब एस आर के लवर्स जो डी डी एल जे लवर्स को बताना चाहूँगा, यही वो स्टेशन है जहाँ पे राज और सिमरन की ट्रेन छूटी थी और उनकी फिर जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर दिस इज़ दी वेरी स्टेशन जहाँ पे वो सीन शूट हुआ था। मतलब डी डी एल जे की बातें कर रहे थे, डी डी एल जे वाली ट्रेन ही आ गई, यही वाली इनकी एक्चुअल में मिस हुई थी। अब ना मैं ये चौथी बार इस ट्रेन में वापस चढ़ रहा हूँ कि अब निकलने का टाइम हो रहा है, बट बार बार होता है कि टाइम चेंज हो जाता है और नहीं निकलती। One hour later. हाँ, एक घंटे लेट, एक ही स्टॉप पर ट्रेन। तो फाइनली यार इंटरलाकन पहुँच चुके हैं, और ये आई थिंक लेक है, ये अपना होटल है, और ये होटल भी ना 150 years old होटल है। ये गाय भी बना रखे बड़ा अच्छा सा, मतलब काफ़ी सही है। आप इंटर करोगे सब कुछ, मतलब प्रॉपर वुडन का है सारी चीज़ें। ये कुछ बेड ऐसा हो गया, और जो सबसे अच्छी बात इस रूम की है वो है ये व्यू, मतलब जस्ट लुक एट हाउ गॉर्जियस इट इज़, बर्फीले पहाड़ हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है।
और अब चल रहे हैं इंटरलाकन एक्सप्लोर करने के लिए। जो धूप है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर धूप है, मतलब एकदम सीधा तेज़ लग रही है। जुलाई अगस्त फिर भी अवॉइड करो, पीक समर है पीक। चलना एक ही स्ट्रीट है, वहीं पर सारी चीज़ें हैं। तो जो फर्स्ट स्टॉप अभी हम इंटरलाकन में प्लान कर रहे हैं, यश चोपड़ा स्टैचू है वो भी एक बार देखते हैं। यार रेलवे क्रॉसिंग अभी तक है यहाँ पर, मतलब वाह सब में है। ये इंडियन रेस्टोरेंट है एक, इंडिया किंग। सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं, चीज़ नान, गार्लिक बटर, मटर पनीर। ट्रेन आ गई पुरानी से। ये एक वेज ऑप्शन मिला था यहाँ पे सुपरमार्केट में 10.50, एंड इंग्लिश का ऑप्शन है, हाँ है। ट्रांजेक्शन डन। और ये अभी से हम हीट करते हैं माइक्रोवेव में। इसको एंजॉय करते हैं। ये टॉप ऑफ द यूरोप का है ना, कल जाने का प्लान है तो एक बार मैं टिकट का पता करने आया हूँ। तो अगर हम यू रेल पास से लेते हैं, पड़ रहा है वो 178 फ्रैंक्स, समवेयर अराउंड 17,000 के आसपास पड़ गया पर पर्सन। और एक हम फुल सर्कल भी कर सकते हैं, जैसे हम जाएँ इंटरलाकन से वापस हम लॉटर ब्रुनॉन से आएँ, बिकॉज लॉटर ब्रुनॉन इन इट्सेल्फ इज़ अ वेरी प्रिटी विलेज। यहाँ पे ना बहुत सारे आपको इंडियंस मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। रीज़न, यहाँ पे यश चोपड़ा जी का ये ब्रॉन्ज स्टैचू है, एंड ही हैज़ बिन दी एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकन। और मतलब टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ द पर्सन हु मेड इंटरलाकन और दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड फेमस फॉर इंडियंस एंड बॉलीवुड। SRK वाले पोस्ट चल रहे हैं यहाँ पे लोगों के। तो ये बताओ ना, थोड़ी देर के लिए तो मुझे डाउट हो गया कि स्विट्ज़रलैंड से कहीं वापस हिमाचल या उत्तराखंड तो नहीं आ गए या कश्मीर तो नहीं आ गए। कुछ ये पोस्ट कार्ड्स यहाँ पे देख रहे थे, बट कुछ स्विट्ज़रलैंड लिखा हुआ मिले तो अच्छा रहे। ये देखो, ये जो ये ऊपर ट्रैक जा रहा है ना, ये आई थिंक हार्डर क्लम करके कुछ है, तो बस ये ऊपर टॉप पे लेके जाएगा माउंटेन के, वहाँ से आप व्यू ले लो। 20 फ्रैंक्स की आई गेस टिकट है। यार अंग्रेज बच्चे भी बताओ यार, कैसे इरिटेटिंग होते हैं ये लोग, कितना रो रहा है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। यहाँ का एक चर्च है जो कि पहले कासल था, उसको शायद चर्च बनाया गया है। कुछ सारी जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, उसमें मतलब आपको ये चीज़ें अब मिलने लगी हैं यूरोप में भी, कि आप ऐसे हॉर्स राइड लो, चिल सीन है यहाँ पर ना बड़ा। इंटरलाकन अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें से एक है पैराग्लाइडिंग। और ये आप सामने देख रहे हो पैराग्लाइडिंग का लैंडिंग ग्राउंड। और यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, लोकल लोग भी काफ़ी ऐसा हॉबी पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। गर्मी बहुत थी, मैंने तो सोचा मेरे बस की नहीं है, लेट्स जस्ट स्किप टू वॉकिंग लाइक दिस। यहाँ से निकल रहे थे, अपने होटल ही वापस जा रहे थे, और यहाँ पे देखा काफ़ी सारे कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे हुए हैं। और सबसे पहला फ्लैग किसका है, इंडिया। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। अराउंड 9:15 इन द नाइट, ऑलमोस्ट एम्प्टी, एक दो कार्स, एक दो लोग, और अभी तक भी मतलब सनसेट और थोड़ा बहुत आई थिंक हो चुका है सनसेट तो खैर, बट अभी ट्वाइलाइट है, एकदम खाली। और कल फिर टॉप ऑफ द यूरोप एक्सप्लोर करते हैं। आई होप वेदर अच्छा हो, स्नो भी ठीक मिले और एकदम क्लाउडी ना हो कम्प्लीटली। हाय हाय, अदरवाइज कैसे ऐसे हो जाएंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।
सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।